देखिए ये ट्रांसफर केस क्या है, ट्रांसफर केस, ट्रांसफर का मतलब तीन चीजों में होती है। पहला होता है जो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है उसमें भी होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव। दूसरा रियर व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव। तीसरा फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव, अच्छा सबसे पहले जानते हैं रियर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव कहाँ आई होता है। तो सबसे पहले बता दो, जो कार्स होती हैं, जितनी भी कार हो गई, वो जितनी भी छोटी व्हीकल्स है वो कहाँ यूज, उसमें जो है जो ट्रांसफर केस यूज होता है वो होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। उसमें क्या होता है, इंजन भी आगे की तरफ होता है और एक्सल भी आगे की तरफ लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब इन केस अगर हम देखें, अगर एक फ्रंट व्हील ड्राइव हो तो ये हमारा गियर, ये मतलब अगर इंजन सिस्टम हो जाए तो इतना ही पार्ट है आगे की तरफ काम करेगा, ठीक है। अगर रियर व्हील ड्राइव की बात करते हैं तो रियर व्हील ड्राइव इसका जो है रियर का मतलब पीछे होगा, तो पीछे वाला भाग ये है, मतलब इंजन 30 पार्ट के बाद यहाँ ट्रांसफर करना, यहाँ ट्रांसफर करना, इस केस को हम कहेंगे रियर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव का मतलब होता है जिसमें चारों पहियों में, फोर व्हील मतलब जिसमें चारों पहियों में हम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को, यानी पावर को, इंजन की पावर को हम ट्रांसमिट कर सकें, हम उसे क्या कहते हैं, फोर व्हील ड्राइव। इन केस जो हमारे आर्मी की जिप्सी होती है, अभी कोई भी जिप्सी जो आप देखते हैं, जो जिप्सी होता है उसमें फोर व्हील ड्राइव होता है। उसमें एक समय पे क्या करते हैं, अगर हमें फ्रंट व्हील चलाना है तो फ्रंट व्हील चलाएंगे, अगर हमें रियर व्हील चलाना है तो रियर व्हील चलाएंगे, अगर हमें फोर व्हील भी चलाने की जरूरत पड़ गई तो भी हम क्या करेंगे, फोर व्हील ड्राइव का यूज करेंगे। इन केस हम जो ट्रांसफर केस पढ़ रहे हैं, ये जो केस है ये फोर व्हील ड्राइव का डायग्राम बना हुआ है। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें जो है देखिए ये वाला पार्ट हमारा अगर गियर बॉक्स हो जाता है, ठीक है, या तो मेन शाफ्ट जहाँ से हमारा क्रैंक शाफ्ट यानी इंजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा है, इंजन जुड़ा हुआ है। इन केस अगर देखा जाए, ठीक है, इसका एक यूनिवर्सल जॉइंट, मतलब यूनिवर्सल जॉइंट मतलब जहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि आप प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा हम डिफरेंशियल क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं, और इधर से डिफरेंशियल क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें कैसे वर्क होता है कि अब इसमें जो इंजन का जो पार्ट होता है बीच में होता है, और बीच में क्या होता है गियर बॉक्स लगा होता है, उस गियर बॉक्स में दो एक्सल निकालने के लिए दोनों साइड यूनिवर्सल जॉइंट को लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ये क्या करता है, ये वाला पोर्सन अलग रहता है, ये पोर्सन दोनों अलग रहता है और ये पोर्सन अलग रहता है। देख रहे हैं कि इसके बीच में जो है यहाँ से ऐसा अगर देखा जाए, ठीक है, अगर हम इसे कट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अलग पार्ट हो गया, ये पार्ट टोटल अलग हो गया और ये पार्ट टोटल अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए होता है, मतलब हम जब आगे की पहियों घुमाना चाहेंगे, तो हम यहाँ से इस गियर, ये जो रिडक्शन गियर लगा हुआ है, ये रिडक्शन गियर से ये जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है जो मूवमेंट करते रहता है, हम उससे इस कपड़े को, इस पार्ट इस गियर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो केस क्या बनेगा, केस ये बनेगा कि हमारा जो फ्रंट व्हील होगा वो क्या करेगा, ड्राइव करने लगेगा, और सेकेंड पार्ट अगर हमें रियर व्हील ड्राइव कराना है तो हम क्या करेंगे, वैसे इसको इंगेज करवाएंगे। जब हम इसको इंगेज करेंगे तो आपस में अटैच करेंगे, ये पार्ट यहाँ ऐसे करें, गियर आपस में इस तरीके से क्या होंगे, भर जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें फोर व्हील ड्राइव चाहिए होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास रियर इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ क्या होता है ये दोनों यूनिवर्सल, यानी दोनों यूनिवर्सल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे इन दोनों फॉर्क में, ठीक है। जब इन दोनों गियर में जुड़ेंगे ये क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैच करेगा और यहाँ पे अटैच करेगा, जिससे क्या होगा हमारा आगे और पीछे, यानी फ्रंट एंड रियर दोनों ही व्हील, दोनों ही आगे और पीछे की दोनों की व्हील क्या करेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर केस। और फिगर ये भी पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन है जो इसको हम कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको जरूर पढ़िएगा और इसका फिगर याद रखिएगा, और फिगर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप देखिए बस यहाँ पे पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, बीच में जो है ये वाला पार्ट है, और ये एक्चुअली हमेशा ही पूछता है, इसलिए आप उसके बाद क्लियर कर लीजिएगा। और आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें बस लिखना ही है जो इसका वर्किंग प्रोसेस होगा, जो इसके पार्ट है उस पार्ट के बारे में लिखने हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस, ओके। तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाता है, सेकेंड चैप्टर गियर बॉक्स जो है क्लोज हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर वही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।